الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم

ये तोफ़ी इनायत फरमाई कि अहलबेत अतःारसम की मोहब्बत दिल में रखने वालों में हमें करार दिया और दूस दौरान अहलबेत मुहबान अहलबेत में की फहरस्त में हमारे और आपका नाम शामिल है हाल करने की तोफ़ी इनायत फरमाई जो कि दुनिया की किसी कौम को ये नत मैसर नहीं हुई जिस पर हमें हमेशा परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए मैं इस वक्त इमाम खोमैनी में स्टेडियो से आप हजरात से मुखातिब हूँ उम्मीद करता हूँ कि इन शह इमाम हसन मुशतबा सलात वसलाम की ज़िंदगी का एक मुख्तर तारफ़ आप हजरात की खिदमत में रखना चाहूँगा यूँ तो इस जब, ना की जबान में इतनी ताकत नहीं है कि इमाम हसन मुशतबा सलात वाम की फजीलत बयान करें ना वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश है लेकिन चूँकि यह वक्त और ये फुर्सत ऐसी है कि जहाँ से हमें फायदा हासिल करना चाहिए जिससे हमें अपनी जिंदगी में और औरों की जिंदगी में यह पैगाम पहुंचाने की तोफ़ी हासिल हो इससे पहले कि मैं इमाम हसन मुशतबा सलातम की खिदमत में खराज अकीदत पेश करूँ आप सभी से गुजारिश गुजार हूँ कि जिस तरीके से इस नाचीज को इमाम कौमी मुनस के मसौलिन ने यह मौका इनायत फरमाया इस स्टेडियो में आकर इमाम हसन मुशतबा सलात की उलादत की मुनासिबत से कुछ गुजारिशा आप हजरात की खिदमत में रखूँ उसी तरह आप हजरा को भी ये नसीब हो रहा है कि आ, इस चैनल के तवसत से इस इदारे के तवस्त से दीनी आगाही और माशरती आगाही से आप आगा हो रहे हैं तो हम सब के लिए लाजिम है कि हमेशा अपनी दुआओं में इस इदारे को शामिल हाल रखें और इस इदारे की सरबुलंदी और तरक्की के लिए दुआ करें यकीनन अगर हमारे इदारा अगर तरक्की करे अगर हमारे इदारा हमेशा से बेहतर आगे कदम बढ़ाने में कामयाब हो तो यकीनन हमारी कौम कामयाब होगी और कौमी खिदमत उस विस्तार और तफसील से कर सकता है इसीलिए हमेशा इस इदारे के लिए दुआ करने में कोताही न फरमाइए यही मेरी गुजारिश है परवरदिगार करीम ने इर्शाद फरमाया इन हुदा बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वह इन ला लल आखिर तवल उला और दुनिया और आखिरत का इख्तियार भी हमारे हाथों में है परवदिगार आलम ने इंसान को शर्फ खिलकत बख्शा तो ये परवरदिगार जानता था कि यह इंसान एक ईफुलईीफुलखलकत जा, मखलूक है जो खिलकत से ही एक कमज़ोर मखलूक है तो इसकी रहनुमाई हमेशा के लिए ज़रूरी है तो खुदा वंदे आलम ने इस एहसास के साथ एक लाख चौबीस हज़ार अंबिया को रुई ज़मीन पर के बाद दीगर बेचता रहा था कि इंसान की हिदायत हो सके इंसान की रहनुमाई हो सके इंसान को उसकी खिलकत का हदफ मालूम हो सके और जिस ओज और बुलंदी पर परवरदिगार आलम इस मखलूक को इस बंदे खुदा को इस इंसान को देखना चाहे उस ओज पर उस मंजिल पर पहुंच सके और पहुँचाया जा सके इसीलिए अंबिया और अवसिया को यके बाद दीगर खुदा वंद आलम ने हिदायत के लिए भेजा खातम नबीन हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वम की दुनिया के जान दुनिया से जाने के बाद वर्दिगार करीम ने इमामत के सिलसिले को जारी वारी फरमाया और उसी इमामत की कड़ी से दूसरी कड़ी मेरे और आपके दूसरे इमाम इमाम हसन मुशतबा सलात हैं जिनकी विलादत पंद्रह शाबान सॉरी पंद्रह रमजान तीन हिजरी को जिनकी विलादत पंद्रह रमजान मुबारक तीन हिजरी को मदीना मुनवर में हुई और हजरत फातमत अजहरा सलामल की बतिन मतहर से आप दुनिया में वजूद में आए इंसानियत और बशरीत की हिदायत के लिए तो यकीन जो इंसान जो ज़्याद बत की हिदायत के लिए वजूद पजीर हुआ हो और परदिगार करीम की तरफ से मुंतब हुआ हो उसकी जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए उसकी जिंदगी का हर पहलू उसकी जिंदगी की हर हरकत बशरीत के लिए इंसानियत के लिए नमूने अमल है रोल मॉडल है आइए हम देखेंगे कि इमाम सज्जात वसलाम ने इंसानी माशरे में इंसानी समाज में किस तरह से जिंदगी गुजारे आपने इस दुनिया में कुल सैंतालीस साल जिंदगी गुजारी फोर्टी सेवन ईयर्स आपने दुनिया में जिंदगी की उस फोर्टी सेवन में से आठ साल पैगम्बरी ग्रामी इस्लाम के सए अतूफत में जिंदगी गुजारने का शर्फ हासिल हुआ और सैतीस साल मौला अमीर यानी आपके पिदर बुजुर्गवार हजरत अली सलातम के साय रहमत में आपने जिंदगी गुजारी और बाद अशहादत मौलाए कायनत दस साल आपकी इमामत रही और शुरू से ही आपने दीन और इस्लाम और बशरीत की खिदमत की सबसे पहले इंसान को जो दूसरों की रहनुमाई के लिए आया है जो जरूरी और लाजमी चीज है वो इलम है और इमाम सद हसन मुशतबा सलात वसलाम इमाम हसन मुशतबा सलात वसलाम इलमी एतबार से एक अला मरतबे परफाय शख्सियत थी जिन्होंने अपनी इलम की बुनियाद पर मारीफत इलाही की बुनियाद पर पाकिजा नफ्स और तरबियत की बुनियाद पर इंसानी की तरबियत फरमाई और यकीन आपने वो इलमी खदम्त अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक तमाम इलम दोस्त इंसान उस खदमत को भूल नहीं सकता एक इंसान माविया की तरफ से जासूस बनकर मौला कायनात की खिदमत में आया और आने के बाद कहा मैं कुछ सवालात लेके आपकी खिदमत में आया हूं मैं और मैं आपका मुहिब हूं और मैं आपका दोस्त हूं अली अली सलाम ने फरमाया जिस काम के लिए तुम आए हो वो मुझे मालूम है तुम माविया की तरफ से आए हो जासूस बन के आए हो हालांकि माविया के पास बादशाह रूम कसर रूम ने कुछ सवालात भेजे हैं और उन सवालत का जवाब न मिलने की वजह से तुम्हें मेरे पास भेजा है लीजिए तुम मेरे बेटे हसन मुशतबा सलात वाम से इन सवालों के जवाब लीजिए वाकई दामन में गुंजाइश न होने की वजह से सिर्फ दो सवाल आपके खिदमत में रखना चाहूंगा जो इस मर्द शामी ने लेके इमाम की खिदमत में आया था और इमाम, इमाम हसन मुश्तबात से जवाब दिलवाए थे इमाम ने फरमाया कि तुम ये सवाल लेके आए हो इमाम ने उसका सवाल भी बताया बिन बताए हुए और जवाब तो बताना ही था क्योंकि धरे अहिबेद की यह शान थी कि वो किसी को चाहे वो म का तलबगार हो चाहे वो जवाब का तलबगार हो चाहे वो माल का तलबगार हो चाहे वो हयात का तलबगार हो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे तो इमाम ने फरमाया, यह शख्स तुम ये सवाल करना चाहते हो कि हक बातिल में कितना फर्क है हक बातिल के दरमियान क्या डिस्टेंस रखती है तो इमाम ने फरमा याद रखो हक और बािल के दरमियान चार अंगुल का फर्क है जो आंख से देखे वह हक है जो कान से सुने वो बातिल होने का इम्कान रखता है और इस कान और आंख के दरमियान में चार अंगुल का फर्क है इमाम अल ने दूसरा सवाल इसका फरमाया और तुम दूसरा सवाल ये करना चाहते हो कि कोजो कस क्या चीज है इमाम ने फरमाया कोजो कस ऐसी चीज है जिससे मौसम के हालात का पता लगा देता है तो यहां से मालूम यह होता है कि इमाम हसन मुशतबा सलात उसका सवाल भी बता रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं तो यहां से यह मालूम होता है कि इमाम सज्जा इमाम हसन मुशतबा सलात वसलाम की इलमी मैार किस ओज बुलंदी पर था दूसरी चीज जो इंसान इंसानी माशरे की तरबियत के लिए आया हो हादी बन के आया हो इमाम बन के आया हो तो उसकी इखलाकी मंजिल जो है वो बहुत ओश पर होनी चाहिए उसका अखलाक बहुत बेहतर होना चाहिए उसका दिल बहुत नर्ब होना चाहिए जिस तरीके से रब करीम ने अपने रसूल करीम से फरमाया अपने हबीब से फरमाया वह इनकुंद ए रसूल अगर आप दिल के सख्त तो हो जाए तो आपके इर्द गिर्द कोई नहीं बैठेगा परवर्द, ने फरमाया फमिमा पर अगर तुम्हारे परवरदिगार की रहमत तुम्हारे साथ शामिल हाल न होती अगर खुदा वंदे आलम की रहमत तुम्हारे साथ शामिल हाल न होती तो फिर आप दिल के मुलायम नहीं होते यानी इखलाक के अला दर्जे पर फाइज ना होते तो एक इंसान जो हिदायत के लिए आए हो उसका अखलाक भी बेहतर होना चाहिए इमाम हसन मुशतम असलातम का अखलाक देखिए कि एक मर्द शामी आपकी खिदमत में आता है और आने के बाद अमीर मौलामिर की शान में बदतमीजी करना शुरू कर देता है वो बदतमीजी करता है वो अली सलाम के खिलाफ गाली गुलोज करता है फहुश बातें इमाम की ख़त्म में रखते हैं तो इमाम ने फरमाया क्या तुम गरीब हो तुम्हें पैसे की जरूरत है माल दे दो, तुम्हारे शादी नहीं हुई शादी करा दो, सवारी नहीं रखते सवारी दिला दो घर नहीं हो घर बनवा दो, तो जिस तरीके से इसकी तरफ से गालियां और बदतमीजियां शुरू हो रही थी इमाम की तरफ से अच्छाइयां और पेशकशें हो रही थी तो एक मरतबा इस इंसान ने कि जो अमीर शाम की तरफ से बिल्कुल ब्रेन वॉश करके मौला सलाम के खिलाफ बयान करने के लिए इमाम हसन अली सलाम की खदमत में भेजा गया था इमाम के अखलाक देकर एक मरतबा पिघल जाता है और कहता है मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अल्लाह के वली के बेटे हो यानी कैसा उसने अखलाक आज अगर हम अपने माशरे में ऐसी अखलाक की अगर पेशकश करें ऐसे अखलाक का मुजाहरा करें तो यकीन आज की दुनिया में वह सुकून आ सकता है वह आरामिश आ सकता है वह इतमान आ सकता है वह राहत आ सकती है जो इंसानी समाज के लिए एक बेहतरीन चीज है मॉडल वैल्यूज की कमी आज की दुनिया को सता रही है और पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि आज की दुनिया मॉरल वैल्यूज से खाली है अखलाकी अगदार से खाली है दुनिया इस चीज की फिक्र में लगी हुई है हम कितनी खुशकस्मत हैं कि हमारे आइमा के अखलाक ऐसे हैं उनके बेहवर दूसरों के साथ दुश्मनों के साथ ऐसे हैं और अगर ये होते हुए भी अगर हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को ना अपनाएं तो हमसे बदकस्मत कौन हो सकता है एक इंसान इमाम की खिदमत में आता है जहां इलम का मुजाहरा फरमाया जहां पर अखलाक का मुजाहरा फरमाया वहां पर खिल, खिलकते इंसानी की इस माशर, इंसानी की खिदमत को भी इमाम ने प्योरिटी दी इमाम ने उसको अहमियत दी और इमाम हसैन मुशतबा सलात ने इंसानी माशरे में खिदमत गुजारी फरमाई एक इंसान आने के बाद कहा मौला एक दुश्मन है जो मुझे बहुत सता रहा है इमाम ने फरमाया कौन सा दुश्मन है जो तुम्हें सता रहा है उसने कहा फक्र, तंगदस्ती माली बथहाली इकतसादी खस्तगी तो इमाम ने फरमाया चलिए हम उस दुश्मन से तुम्हें नजात दिलाते हैं पांच हजार दिरहम उसे दिया और देने के बाद कहा चलिए आज के बाद तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नहीं सताएगा तो यहां से हमें ये सबक मिलता है कि माशरे में जो नादार जो गरीब जो मस्किन जो हालात से सताए हुए लोग हैं उनकी खिदमत करनी चाहिए इमाम के माशरे का खिदमत करने का अंदाज यह था कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में दो मरतबा अपनी सारी जायदाद तकसीम कर दी कोई है इंसान जो अपनी जिंदगी में अपनी पूरी जायदाद पूरी प्रॉपर्टी वाम के नाम कौम के नाम मुस्तफीन के नाम गौरबा के नाम तकसीम करते माह मुबारक रमजान और इमाम हसैन मुशतबा सलातेम की विलादत हमें यह पैगाम दे रहा है कि हम इंसानी माशरे में खिदमत गुजारी को अंजाम दें दूसरों के दर्द दर्द को एहसास करें दूसरों के दुख को दुख को एहसास करें दूसरों की परेशानियों को एहसास करें ना सिर्फ एहसास कर बल्कि उसको दूर फरमाएं यह इमाम हसन मुशतबा सलातम की जिंदगी से हमें मिलता है दो मरतबा पूरी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद तकसीम करती दस्तरखान इमाम हसन मुशतबा मशहूर मुझ्ट। था मौलाए कायनात खेती में काम कर रहे हैं फावाले चला रहे हैं एक शख्स आया आने के बाद कहा अली ये क्या कर रहे हो इसको चलाने के हकदार तो हम आप भूखे हैं आप प्यासे लीजिए खाना लीजिए खाना खा लीजिए हम दिलाते हैं हम खिलाते हैं मौला ने फरमाया याद रखो अली अपने पेट के लिए नहीं कर रहा है अपने अली अपने वजूद के लिए नहीं कर रहा है मैं ये चाहता हूं कि इस खेती से जो फसल उगे और उससे खिदमत माश, इंसानी करूं इंसानी समाज में जो नादार और मुश्किल और परेशानियों में घेरे हुए लोग हैं उसकी खिदमत कर सको और अगर तुम भूखे हो तो जाओ मदीने में जाओ और मदीने में हसन मुशतबा का दस्तरखान मरूफ है वहां जाके खा लो ये देखिए ये इमाम हसन मुशतबा की खिदमत गुजारी का आलम है करीम अहलिबेद के नाम से आप मशहूर हैं मैं आज इमाम हसन मुशतबा सलात वसलाम की वलादत की इस पुरफेज़ और पुर बरकत और पुर पुरमसर्रत मौके पर गुजारिश करता हूँ हमारे माशरे के उन मालदार लोगों से उन साहबान सरवत लोगों से जिनके पास पैसे की भरमार है जिनके पास माल की भरमार है जो खिदमत कर सकते हैं जो माशरे में आके हाथ बटा सकते हैं वो आएँ और इमाम हसैन मुशतबा सलात वाम की सरत अमल करें लॉकडाउन का जमाना है मुमकिन है कि बहुत ऐसे मजबूर और मुफलिस और परेशान लोग हों कि जो किसी के आने का किसी के लाने का इंतजार कर रहे हो और यकीनन अगर आप उस दर तक पहुंचे आप उस दर तक पहुंचे आप उस दहलीज तक पहुंचे जिनकी जरूरियात जिंदगी की वजह से मुश्किलात में जो लोग घेरे हुए हो और आपके माल के जरिए से आपकी जायदाद के जरिए से आप उन तक पहुंचे और उनकी परेशानी उनकी मुश्किल अगर आप दूर कर सकें तो यकीन आपके लिए इससे बड़ी खुशकस्मती क्या होगी जिस तरह से अलहमदल्ला हमारे बसीज जिस तरीके से अलहमदल्ला हमारा इदारा जिस तरीके से अलहमदिल्ला हमारे बा जिस तरीके से अलहमदल्ला हमारे जैनबिया खिदमत कर रहे हैं माशरे में इस लाइन को इस तसल्स को अगर हम आगे बढ़ाएं इसको आगे ले जाएं इसको इसमें ग्रोथ लाएं इसमें इस हरकत में और भी सुरत लाएं तो आप देखिए कि यह हरकत किसके लिए है यह हरकत किसकी वजह से है यह हरकत किन की सीरत से है यह इमाम हसन मुशतबा सलातम की जिंदगी से हमें मिलता है माविया ने अपनी खजान से कहा कि जाके माले गनीमत में से ले जाके फकरा व मसाकिन में तकसीम कर दो और इन्होंने तकसीम की और उस खराज का एक हिस्सा इमाम हसैन मुश्तबा सलाते सलाम को भी पहुंचाना था तो जब इमाम वहां पहुंचे तो देखा कि जो वहां पे मुलाजिम मुन था उस तकसीम के लिए जो मुकसिम था उसने कहा आप लेट आ गए लेकिन आपका हिस्सा है यह इतने हिंदा की जानब से दिया जा रहा है तो इमाम ने अपना हिस्सा उठा के माउिया के गुलाम को दिया और कहा कि यह इब्ने जहरा के नाम से दिया जा रहा है यह वो दर है जहां से कोई खाली नहीं जा सकता और यह वो दर ही जहां से हाथ हिलाने का तरीका नहीं सिखाया जा सकता वो है जो मसाकिनो फकर को खिलाते हैं और इसमें अपने लिए कोई चीज नहीं चाहता ना शुक्रिया की उम्मीद रखता है ना एहसान की कोई चाहत रखता है बल्कि इनकी हर हरकत अल्लाह रिजात के लिए होता है ये यमामसन मुशतबा अहलिबेदलातम की सीरत है कि जो आज की ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जिंदगी गुजारने वाले इंसान के लिए और इंसानी माशरे के लिए बहुत ही अहम और जरूरी है और आज की दुनिया में जहां पर हर इंसान भूख से तड़प रहा है मुश्किल से तड़प रहा है बद अखलाकी का शिकार हो रहा है मुश्किलों और परेशानियों से घेरा हुआ है उन इंसानों के दरमियान में अगर हम हमारे आई की सीरत को बताएं और उसको प्रैक्टिकेबल बनाएं अमली मैदान में लाएं तो यकीनन वो इंसान जिनको ये चीजें मुयसर न हो उनको ये अखलाक के नमूने न हो खदमत के नमूने न हो और उन तक ये पहुंचाया जाए तो यकीन आप सोचिए इससे दूसरों पर कितना असर पड़ेगा दिन कितना फैलेगा सीरत अहलबेत और मोहब्बत अहलबैत के दायरे में कितने इंसानों को आने की तोहफी और नसीब होगी बस मैं एक बात कहकर आप हजरात की जहमत तमाम करना चाहूंगा एक शख्स इमाम हसन मुशतबा सलात वाम की खिदमत में आता है देखिए इमाम हसन मुशतबा सलातु की खिदमत गुजारी जो आज की डेट में मैंने पहले भी अरज की खासकर इस लॉकडाउन की दौर में हमें इस चीज को एहसास करने की जरूरत है और इसके बाद दी हमें अपने माशरे के नादार और मुश्किल और परेशानी में फंसे हुए लोगों के ख्याल रखने की जरूरत ही हमारे अम्मा की सीरत है और आने के बाद कहा उसने अरस की मौला परेशान हाल हूं मुझे कुछ अता फरमाइए ताकि मैं खाना खा सकूं जिंदगी गुजार सकूं पेशवायान में यह रिवायत या ये वाकयास कोर्ट किया हुआ है कि उस वक्त इमाम की खिदमत में कुछ ना था कोई चीज नहीं थी इमाम के पास देने के लिए तो इमाम ने चूंकि इनकी मुश्किल को दूर करना था इमाम ने फरमाया मैं तुम्हें एक राय देता हूं और एक कुछ बातें मैं तुम्हें सिखाता हूं खालीफ वक्त का उसकी बेटी दुनिया से चली गई है और तुम उसके पास जाओ और जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो वहां बताओ खलीफे वक्त तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा तो शख्स ने कहा मौला क्या बताएं इमाम ने फरमाया, रहा बिजुलू सिख अला कब्रिहा वालाहत कहा लिजुलू सिहा अला कब्रिक मौला ने फरमाया तुम जाओ और जाने के बाद खलीफे वक्त से कहो ताजियत पेश करो कि तुम्हारी बेटी गुजर गई लेकिन कितनी खुशकस्मत बेटी थी कि जो आपसे पहले गुजर गई और अगर वो आपके बाद रहती तो यकीनन खलीफा की बेटी की बेहरमती हो जाती उन्हें परेशानियों का सामना करना होता ये खुशकस्मत थी कि आपसे पहले चली गई और आपने बेहतरीन अंदाज में इस बेटी को रुख्सत किया तो वो उन्होंने जाके यही जुमले खलीफे वक्त की खिदमत में रखे और खलीफे वक्त ने उनको कुछ इनाम और इक्राम दिया जिससे उसकी जिंदगी की परेशानी हल हो गई वक्ती तौर पर मुश्किल और परेशानी दूर हो गई यहां से ये सबक मिलता है अगर एक इंसान आपके पास आए अपनी हाजात लेकर अपनी परेशानियां लेकर और आप उस परेशानियों को दूर न कर सकता हो खुद से दूर न कर सकता हो मगर किसी के जरिए से करने की आप ताकत रखते हो तो उसकी परेशानी दूसरे के जरिए से भी हल करो चाहे दूसरे के जरिए से हल करो मगर इसकी परेशानी हल करो काश हमारे माशरे में ये चीजें उजागर हो जाती तो माशरा कितना पुरसकून होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हद तक इनकलाब इस्लामी के वजूद के बाद और बिल पूरी दुनिया में बिलखसूस करगिल की इस सरजमीन पर खिते लद्दाख की इस सरजमीन पर इस्लामी इनकलाब की झलक मरहूम हजतुल इस्लाम मुस्लिमीन शेख मोहम्मद हुसैन जाकिरी रहमा अल्लाह ताला उनकी रूह को रूह पर रहमत नाजिल फरमाए रूह को शाद फरमाए उनके जरिए से करगिल के माशरे में यह इनकलाब करगिल की दहलीज तक पहुंचा और इस इनकलाब की तरबियत से आप देखिए अलहमद करगिल के माशरे में कितनी खिदमत गुजार हैं आप हैं माशाला आप सामीन से मुखातब हूं आप नाजरीन से मैं मुखातब हूं आज अगर हमारा इदारा तरक्की कर रहा है आज इतनी खिदमत गुजारी हो रही है आज इतने माशरे के नादार गरीब बेवा यतीम इबन सबीर लोगों की परेशानियां इस इदारे की वजह से दूर हो रहा है तो यकीन आप हजरात को इस्लामी इनकलाब की सीरत आईमा सलाम की इस रोशनी में तरबियत होने का नतीजा और जिस खिदमत गुजारी के लिए आप हजरात अपने माल से जायदाद से तनखेहे से कमाई से इस, इस इदारे को दे रहा है जिसकी वजह से यह खिदमत अंजाम पजीर हो रही है बस आप खुद सोचिए अपने सीने पर हाथ रखकर कि जो खिदमत का मौका आप दे रहे हो जिस खिदमत में आप हिस्सादार बन रहे हो जिस खदमत गुजारी में आप साझेदारी कर रहे हो तो यक़ीनन इमाम हसैन मुशतबा सलातू वसलाम की सीरत पर अमल हो रहा है क़यामत के दिन यक़ीनन इमाम हसन मुशतबा सलात वसलाम हमारी और आपकी इस हरकत पर खुश होंगे और हम कह सकेंगे कि मौना कुछ न सही की इस सीरत में तो हमने आपकी सीरत पर इस लाइन में अमल करके आया है मौला इमाम सज्जा तो अल्लात सलाम की खिदमत में बस में खत्म कर रहा हूँ फकीर आता था तो इमाम फकीर को कुछ देने से पहले उसका हाथ चूनता था देखिए माशरे के गरीबों की फकीरों की मिस्किनों की मुश्किल ज्यादा लोगों की खिदमत करने में कितनी अहमियत है अल्लाह ताला के बारगाह में उस इंसान का कितना मुकाम है तो इमाम उसके हाथ को चूनते थे मुझे सा इमोशनल इंसान ने कहा एक जज्बाती इंसान इमाम से कहा मोला ये क्या कर रहे हो देखिए हमें कभी भी इमाम पर अंगुली उठाने और इमाम पर सवाल उठाने के लिए कोई हमें हक नहीं है मगर एक इंसान ने कहा कि बोला ये क्या कर रहे हो किसी फकीर आप इतने मुकाम पर होने के बावजूद इमाम होने के बावजूद आप फकीर का हाथ चुम रहा है इमाम ने फरमाया जो मैं हाथ चुम रहा हूं तो मैं यकीन है ये वो लोग हैं कि जिनके जरिए से सईद सज्जाद जन्नत जाएंगे जिनके जरिए से सईद सज्जाद मैदान में, में शर की सख्तियों को दूर करने में कामयाब हो अरे ये वही लोग तो हैं कि जिनके जरिए से सईद सज्जाद जन्नत पहुंचेंगे इमाम सज्जाद हमें ये दर्श दे रहा है हमें ये पैगाम दे रहा है फकीर को देते हुए आप हिचकिचाओ नहीं फकीर को देते हुए आप आपको अफसोस मत हो क्योंकि इस फकीर को देने की जो अदा है ये वही अदा है कि जिसके सारे से क्यामत में तुम्हें नजात मिलेगी इमाम हसन मुशतबा की खिदमत गुजारी इमाम हसन मुशतबा का अख्लाक इमाम हसन मुशतबा का इलम हम सबको ये दर्श दे रहा है हेज फॉलोवर इमाम हसन ऐज फालोवर आई मई कम से कम हमारी जिंदगी में ये चीज़ें आनी चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर जमीनी सतह पर इस को अमली जामा पहनाने में हमें कामयाबी भी मिलनी चाहिए और हम अपने एतबार से इस चीज को अमली जामा पहनाने की कोशिश करना चाहिए ताकि माशरे इस्लामी और माशरे इंसानी में एक सुकून और इतमान पैदा हो और इसी तरीके से माशरे के तमाम तबके के लोग आसानी खुशहाली इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप हजरात से रुसत चाहता हूँ परवरदिगार बिहक इमाम हसन मुशतबा सलाम हम सबको उनकी सीरत पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तोफीकनात फरमाएँ औरकम वरहल वबरक